मीडिया टाइम्स न्यूज चैनल देख रहे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमन दीपक। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता का उत्तर प्रदेश और केंद्र सरकार पर निशाना। उत्तर प्रदेश प्रयागराज में 3 साल की बच्ची का पैसे के अभाव में मौत के बाद राजनीति पार्टियों ने मौजूदा केंद्र और प्रदेश सरकार को आड़े हाथों लिया है। इस मामले में समाजवादी पार्टी मौजूदा प्रदेश सरकार से निष्पक्ष जांच की मांग कर रही है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता ने भी इस मामले में प्रदेश और केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश की है। मीडिया से बात करते हुए प्रमोद तिवारी ने 3 साल की बच्ची की हुई मौत के मामले में प्रदेश और केंद्र सरकार को अपने निशाने पर लेते हुए कई गंभीर आरोप लगाए हैं। उत्तर प्रदेश कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रमोद तिवारी ने हुए 3 साल की बच्ची की मौत के मामले पर मौजूदा प्रदेश और केंद्र सरकार पर निशाना साधा। प्रमोद तिवारी ने कहा कि बीजेपी सरकार भले ही लाख दावे कर ले कि सरकार सेवाएं गरीबों को मिल रही हैं, प्रयागराज में हुई इस घटना ने सरकार की पोल खोल कर रख दी है। ऊपर से सरकार अभी तक इस पूरे घटनाक्रम की चार्ज भी नहीं करा पा रही है और ना ही दोषियों को सजा दे पा रही है। मोदी सरकार की दावों की पोल खोल दी इस मौत ने। साथ ही तिवारी ने यह भी आरोप लगाया इस सरकार में गरीब बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। तिवारी ने इस घटना की उच्च स्तरीय जांच और निष्पक्ष जांच की मांग उठाई है ताकि इस निर्दयता के साथ किसी गरीब की बच्ची फिर से ना मौत हो सके। इसलिए कांग्रेस पार्टी इस पूरे घटनाक्रम की निष्पक्ष जांच चाहता है और दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो सके। आइए सुनाते हैं प्रमोद तिवारी वरिष्ठ कांग्रेस नेता ने क्या कहा। एक मामला आया है कि बच्ची के साथ उसको इलाज के लिए पैसे नहीं थे, उसको डॉक्टरों ने बाहर कर दिया, क्या कहना है इस बारे में? ये सच्चाई सामने करता पर लाता है कि जो प्रधानमंत्री की तमाम योजनाएं चल रही हैं कि किसी गरीब का पैसे के अभाव में इलाज नहीं रुकने पाएगा। जब इलाहाबाद जैसे शहर में, प्रयागराज जैसे शहर में जहाँ पर ये घटना हो रही है, जहाँ सारे अधिकारी हैं, वहाँ पर अगर इस तरह घटना हो रही है तो दूर दराज के ग्रामीण इलाकों में क्या हो रहा होगा। निश्चित रूप से ये दुखद, दुर्भाग्यपूर्ण और एक ऐसी घटना है जो मोदी सरकार की सच्चाई पर से पर्दा उठा लेता है। जिस तरह एक बच्ची के चिरे हुए पेट के साथ उसे हॉस्पिटल से बाहर निकाल दिया गया, उसने ज़मीन बेच के पैसा दिया, ये साबित करता है कि मोदी सरकार में गरीब के जान की कोई परवाह नहीं। जब जांच हो, दोषी दंडित हो, तो पता लगेगा कौन किसको संरक्षण दे रहा है, कौन नहीं दे रहा है। पहले जांच तो हो, कार्रवाई तो हो, तो उसमें पता लग जाएगी सारी चीज़ें। हम निष्पक्ष कार्रवाई चाहते हैं जिससे फिर किसी गरीब की बेटी इलाज के अभाव में इस निर्दयता के साथ, इस अमानवीयता के साथ, इस तरह खुलेआम बेटी का पेट चीर कर उसे सड़क पर न फेंका जाए। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।